नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के हौसले और एकता के आगे झुकती मोदी सरकार। किसान आंदोलन, प्रकाश पर्व मनाते हुए दोहराई गई चेतावनी। कोरोना अपडेट, देश में नवंबर महीने में रोजाना 42,000 से अधिक नए मामले और 500 से अधिक मौत। हमारी चौथी और आखिरी खबर यूपी से, नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध का बढ़ता ग्राफ। मथुरा में 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। जो सरकार पहले किसानों को धमकियां दे रही थी, अब उनको दिल्ली बुलाकर आमंत्रण दे रही है। परंतु किसानों ने साफ कर दिया कि बात तभी होगी जब सरकार अपनी भूल सुधारकर तीनों नए कानून वापस ले और फिर हमसे बातचीत करे। बीजेपी सरकारों ने पूरी कोशिश करी कि किसान दिल्ली न पहुंचे, परंतु किसान हर बाधा को पार करते हुए अब दिल्ली के 3 बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। एक तरफ किसान ने जहां दिल्ली के सिंगू बॉर्डर को बंद कर दिया, वहीं उन्होंने टीकरी बॉर्डर को भी घेरा हुआ है। जबकि शनिवार को यूपी के किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को भी घेर लिया है, जिसके बाद हट दिखा रही बीजेपी सरकार बैकफुट पर आती दिखी। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को दिल्ली आकर बात करने का न्योता दिया। हालांकि इसके लिए मंत्री जी ने शर्त रखी कि किसान उनकी तय जगह और शर्तों पर प्रदर्शन करे, जिसे किसानों ने सिरे से नकार दिया। जिसके बाद अब सरकार बिना किसी शर्त के मंगलवार को पहले दौर की बातचीत के लिए तैयार हो गई है। किसानों को कृषि मंत्री ने विज्ञान भवन आकर बात करने का निमंत्रण भेजा है, परंतु किसान साफ तौर पर कह रहे हैं उन्हें इस सरकार पर विश्वास नहीं, वो हमेशा धोखा देती है। आपको बता दें, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, किसान मूल आश्वासन अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम को बिना किसी चर्चा के जबरन पास करा लिया गया था, जिसको लेकर किसान संगठन लगातार विरोध जता रहे थे। हालांकि सरकार का दावा था कि ये कानून किसान हितैषी है और इससे उनका भला होगा। हजारों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने गुरु नानक जयंती मनाते हुए अपनी बात फिर से दोहराई, सरकार उनसे बात करे और किसान विरोधी कानून को वापस ले। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की एक खास रिपोर्ट। अभी हम दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खड़े हैं, जहां किसान पिछले कई दिनों से अपना घेरा डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आपको याद है, ये किसान 26 तारीख को पंजाब हरियाणा के अलग अलग जिलों से निकलकर दिल्ली घेरने की तैयारी में आए थे और ये पिछले 3 दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। आज सिख धर्म का गुरु महापर्व है, उसको भी किसानों ने यहीं मनाया है। आइए हम कुछ किसानों से, किसान आंदोलनकारी किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश समझते हैं जो उन्होंने आज उनके आंदोलन की आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से वो अपना आंदोलन आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अज गुरु नानक देव जी का पुरब सी, पंजाब हरियाणे दे ते बाकी देश तो किसान इत्थे कुंडली जिहड़ा मार्ग है, सड़क है, इहदे ते धरना दे के बैठे ने। अज इत्थे ही बैठ के संगतां ने गुरपुरब मनाया, जगह जगह ते अरदास कीती है। बड़े पंडाल दे विच लोकां दी सुख शांति वास्ते इन्हां हाकमां नूं बुद्धि बख्शे परमात्मा, तां कि लोकां दी आवाज़ सुन, क्योंकि सरकार ने किसानां दे एजेंसां दे भाह खोण की तैयारी कर ली। इन्हां दीआं जमीनां अडानियां अबानियां नूं देण दा फैसला कर लिया। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज समत बख्श मोदी नूं जिहड़ा पुठेरा पिया वै, जिहड़े कानून ने काले वो इत्थे दे किसानां ते ना वरते, इन्हां नूं वापस लवे, लोकां नूं भाईचारा बना के आपदे घरां दे विच रहण दा मौका देवे। मालक कृपा करे, उन्हूं समत बख्शे। ये हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, कदे हिंदू मुसलमान के नाम पर, कदे जाट नॉन जाट के नाम पर, कदे खालिस्तान के नाम पर। और जो भी किसान मजदूर छात्र नौजवान अपनी मांगों के लिए आंदोलन करता है तो उसको देशद्रोही दिया जाता है, का नारा नाम दिया जाता है। तो इसलिए सरकार कितने भी हथकंडे कर ले, आप किसान मजदूर छात्र नौजवान और व्यापारी इनकी बातों को समझ गया है और अपनी एकता बनाकर दिल्ली को चारों ओर से घेरा हुआ है। और तब तक सरकार ये तीनों अध्यादेश जो काले कानून है इनको वापस नहीं लेती, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू ना करती, और जो बिजली बिल 2020 इसको वापस नहीं लेती, और जो सर देश हमारे जो शहीद है उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर, ये सरकारी जो तंत्र कायम किया था, जो आज सरकार BSNL को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है,
और क्या नाम है एयरपोर्ट को बेच दिया, देश मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों को कॉपरेट घरानों को देश को बेचने जारी है। तो इसलिए इससे दुर्भाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। तो इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान का किसान मजदूर कमेरा वर्ग आज इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, और जब तक सरकार इन नीतियों को नहीं बदलेगी तब तक हम वापिस नहीं जाएंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ो। घर कह के आया भी जाता ज्यौदे ज्यौदे जा रहे हैं छोटे को, जा असी ज्यौदे आ गए ताता साढ़े भाई हार पा दो, नहीं मरिया हुआ दे पा दो, जा मर के जावे जे ज्यौदे जावे, जे तो जित के जावे तो ज्यौदे जावे, मर के रहेंगे उरों मर के जावे, पर असी उन्ना चर उतों उरों हलदे नहीं जिन्ना चर साडा हक नहीं मिलता। हम लोग सिख धर्म में विश्वास रखते हैं और बाबा जी ने पुर अमन अपना जो संघर्ष जीवन वारा वो उन्होंने किसानों नाल वारा खेती लई वारा, ते आज जो सेंटर की सरकार उस लिए सबक है कि ये किसान बाबे नानक दे वारस है, ये इन्हां दा जो खेती करने का हक है वो इनको मिलना चाहिए। जितने भी हमारे नेता थे किसान नेतिया वो हमारे को उठा लिया गया था, और हम भी चार दिन जेल में रह के हमारे साथी कॉमरेड साहब है इन्हें भी जेल में थे हम, जैसे हमारे को 27 तारीख को वहाँ से जमानत मिली उसके बाद हम रात को ही कपड़े बदल के और यहाँ कुंडली बॉर्डर पे पहुँच गए थे, और परसों सुबह हम वहाँ गए हैं अपना जो टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ का कल का वहाँ दिन देखे आज फिर वापस यहाँ देखने के लिए आए हैं कि कोई ऐसे असामाजिक तत्व तो ना घुसे, वो हमारे को कंट्रोल करना है। धरना तो अच्छी तरह से चल रहा है, इसके ज़्यादा हमारी अहमियत है कि उसको कंट्रोल कर रखना, सुख शांति बना के रखना, क्योंकि इसमें सरकार के भेजे नुमाइंदे आएंगे जो कि अशांति फैलाएंगे। कल भी हमारे को देखना पड़ा कि 10 लड़के थे कोई पत्थरबाजी कर रहे थे, और उसके वो सरकार एक किस्म से दंगा टाइप करवाना चाह रही है, और एक सरकार ने अभी कहीं किसी भी न्यूज़ चैनल में देख लो ये देर के बोले सिर्फ सिख आंदोलन है, अरे सिख आंदोलन नहीं सिर्फ किसान आंदोलन है, और उसमें 36 बिरादरी आती है, सभी प्रदेश के देश के सारे किसान आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 1 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,118 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 482 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 41,985 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, और कुल एक्टिव मामलों में 11,349 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 94,62,809 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,37,621 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से अब तक 88,89,585 मरीजों की को ठीक किया जा चुका है, और देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 4.60% यानी 4,35,603 हो गई है। अगर हम नवंबर माह के औसतन आंकड़ों की बात करें तो नवंबर माह में रोजाना औसतन 42,654 नए मामले सामने आए हैं और 515 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही इसी बीच 46,992 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और 8,142 एक्टिव मामले कम हुए हैं। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 14,13,49,298 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 9,69,322 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह मंदिर या मस्जिद नहीं, बल्कि एक मासूम 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का मामला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची के मुंह में उसके ही अंडरगारमेंट्स ठूस दिए थे, जिसके कारण दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कुछ सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि प्रदेश में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और फिर हत्या का ये मामला इक्का दुक्का वारदातों में शामिल नहीं है। आए दिन कानून व्यवस्था से बेखौफ अपराधी राज्य में मासूमों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते रहते हैं। हाथरस, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी जैसे मामले कई दिन राष्ट्रीय मीडिया में बने रहे, बावजूद इसके
योगी राज में महिलाओं एवं बच्चियों को तस्वीर नहीं बदली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की है। 26 नवंबर की दोपहर 8 साल की बच्ची अपनी पड़ोस की महिला के साथ लकड़ी बीनने के लिए निकली थी, लेकिन लकड़ी बीनते समय ही वो गायब हो गई। बच्ची जब ढूंढने के बावजूद नहीं मिली तो शाम 7-7:30 बजे के करीब मामले की शिकायत थाने में की गई। अगले दिन जंगल में दयनीय स्थिति में उसका शव मिला। घटना के बाद दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। देखिए, थाना वृंदावन की रमन रेती चौकी क्षेत्र से कल शाम 6:30-7 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय बालिका जो है वो पड़ोस के ही एक महिला के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ से कहीं खो गई हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस बालिका की सर्च के लिए एक पूरा अभियान कल शाम में और पूरी रात गाँव वालों की मदद से चलाया गया। सीओ सदर साहब इस पूरे सर्च ऑपरेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उस बालिका का शव आज सुबह उसी जंगल में से बरामद हुआ है। जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पैनल ऑफ डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी से उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों से विस्तृत पूछताछ हुई है। उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ इस बारे में शेयर साझा की है। घटना से उसका निरीक्षण भी किया गया है। गाँव वालों से भी बात की गई है। एक संदिग्ध को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हो रही है। घटना से संबंधित जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे और जो भी अग्रिम पोस्टमार्टम में जो फाइंडिंग आई है उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। Facebook, Instagram और Twitter पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।